हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 10 एमसीए कॉलेजेस इन मुंबई। दोस्तों उसके साथ साथ यही बताने उस कॉलेज में 2020 में महाराष्ट्र एमसीए सीटी का कट ऑफ कितना गया था, 2020 में प्लेसमेंट पैकेज कैसा रहा था, हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज कितना मिला था, एवरेज प्लेसमेंट पैकेज कितना गया था, और उसका कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर क्या है एमसीए के लिए, कितना सीट है एमसीए के लिए। उसके साथ साथ यही बताने वाला हूँ कि उस कॉलेज में कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है 2021 के लिए। दोस्तों सबका जवाब मिलेगा दोस्तों, बस वीडियो में बने रहिएगा। एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं दोस्तों, बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई या मुझे बहुत कम मार्क्स मिला, मुझे बहुत कम परसेंटाइल मिला था, क्या मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा, क्या टॉप 5 कॉलेजेस मिल सकता है मुंबई में। दोस्तों उसका जवाब है हाँ है। दोस्तों मैं बताता हूँ कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। देखो अभी आपका रिजल्ट आ गया दोस्तों, आगे क्या प्रोसेस होने वाला है उसमें बताऊंगा। यूट्यूब पे आपको बहुत सारा वीडियो देखने को मिल जाएगा दोस्तों, कैप राउंड 1 होने वाला है, कॉलेज अलॉटमेंट होने वाला है, कट ऑफ आने वाला है दोस्तों, आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा दोस्तों। पर मैं आपको डेमो दिखाऊंगा दोस्तों जो 2020 में हुआ था दोस्तों, एक्चुअल डेमो दिखाऊंगा दोस्तों, इस तरह आपका हुआ था तो क्या आपको पता चलेगा। सिर्फ लिख के दिखाना ये आपको उतना दिमाग में नहीं जाएगा जितना आपको डेमो दिखा के होगा। तो इसके वजह से बोल रहा हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। चलिए बताते हैं टॉप 10 एमसीए कॉलेजेस इन मुंबई। दोस्तों जो पहले नंबर पर दोस्तों वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट विजेटिया है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है दोस्तों, ऑलमोस्ट इसको फर्स्ट नंबर पर हर स्टूडेंट रखता है। जो इसका एमसीए का सीट होने वाला है 60 होने वाला है। 2020 में इसका जो फीस गया है 62,844 रुपीज गया है। 2020 में महाराष्ट्र एमसीए सीटी का कट ऑफ गया 84.50। आपको बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा दोस्तों कि जो विजिटिया का कट ऑफ है 100 के ऊपर जाएगा। मैं ऑफिशियली आपको डेटा दिखाता हूं दोस्तों, ये महाराष्ट्र एमसीए सीटी का 2021 का ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। तो हम 2020 के वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे लिखा रहेगा कैप पोर्टल एवाई अकेडमी किया 2020 दोस्तों, हम इस पे जाएंगे। ये देखिए 2020 का सीटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे हम एमसीए वाले सेक्शन पे जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखा रहेगा, देखिए यहाँ पे लिखा कट ऑफ मेरिट फॉर कैप राउंड 1 दोस्तों, हम इसको खोल लेंगे दोस्तों, आपको दिखेगा। थोड़ा आप नीचे आओगे ना आपको तो पूरा आपको मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी का जितने भी कॉलेजेस है वो देखने को मिल जाएगा, पर मैं बेसिकली इस पे जाता हूँ, मैं अब सेट करके रखा हूँ। देखिए वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिलेगा, जी ओपन एच मतलब जी फॉर जनरल और ओपन मतलब ओपन में हो, और एच फॉर होम यूनिवर्सिटी। तो आप और ये गवर्नमेंट कॉलेज है, सिर्फ महाराष्ट्र स्टूडेंट बच्चे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा ओपन कैटेगरी को 84.50 और 47 रैंक वाले को मतलब ये मिला हुआ है दोस्तों। अगर आप एससी में एसटी में या फिर ओबीसी में हो एनटी में हो तो आप अपना कट ऑफ देख सकते हो, और ये भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मतलब 2-4 मार्क नीचे भी जा सकता है क्योंकि इस बार का पेपर थोड़ा टफ आया था दोस्तों। तो अभी चलिए मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर 2021 दोस्तों 78 मार्क या 75 के जितना भी ऊपर होना तो आप सेफ समझ सकते हो। अगर आपको 70 आया ना तो भी आप सेफ समझ सकते हो क्योंकि कैप राउंड 2 में दोस्तों आपका थोड़ा और मार्क्स कम होगा तो आप सेफ समझ सकते हो। इस बार का पेपर भी थोड़ा टफ था दोस्तों और पैटर्न भी चेंज हो गया था। जो इसमें 2020 में प्लेसमेंट पैकेज गया था एवरेज 8 LPA गया था दोस्तों। मैं विजिट एक ऑफिशियल वेबसाइट पे गया था दोस्तों, उसमें लिखा था 2020 में दोस्तों जो हाईएस्ट गया था 44 LPA तक गया था, 44 लाख तक गया था माइक्रोसॉफ्ट ने, और भी 2-4 लिखा था 36 LPA तक गया था, और पर ये नहीं लिखा था कि वो एमसीए के लिए कि बीटेक के लिए। तो इसके वजह से पूरा जो भी ऑथेंटिक डेटा रहता मैं वो आपके लिए लेके जाता हूँ। तो बहुत सारे वेबसाइट पे गया, collegejuniorshiksha.com दोस्तों इन सबके वेबसाइट पे गया था, वहां पे देखा बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे, उनका रिव्यू लेके दोस्तों ये मैं एवरेज 8 LPA लिखा हूं दोस्तों। ये कॉलेज दोस्तों माटुंगा में स्टेशन है नजदीक, मैं इस कॉलेज में गया भी हूं दोस्तों, बहुत अच्छा कॉलेज है, आप जरूर अप्लाई करिएगा दोस्तों। जो मैंने सेकेंड नंबर पे मैंने रखा है भारतीय विद्या भवन सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है दोस्तों। जो एमसीए का सीट होने वाला है 60 होने वाला है। जो फीस स्ट्रक्चर है दोस्तों 2020 में 1,73,929 रुपीज़ गया, थोड़ा सा कॉस्टली कॉलेज है दोस्तों। जो 2020 में महाराष्ट्र एमसीए सीटी का कट ऑफ गया दोस्तों 77.50 मार्क्स तक गया है दोस्तों। मैं आपको ऑफिशियल डेटा भी दिखा देता हूँ, देखिए ये आपको देखिए ये आपका सीटी का कैपरॉन 1 का ऑफिशियल डेटा है तो भारतीय विद्या भवन सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जी ओपन जनरल ओपन एच का ओपन कैटेगरी के लिए 77.50 गया। आप एससी एसटी या फिर ओबीसी एनटी में हो तो आप अपना देख सकते हो दोस्तों, और थोड़ा 5 मार्क कमी या 2 मार्क कमी समझना क्योंकि इस बार का थोड़ा पेपर हाई मतलब अच्छा टफ आया था दोस्तों। और एक और चीज बता दे दोस्तों, इसमें आप प्राइवेट कॉलेज है दोस्तों तो इसमें आप ये भी कर सकते हो, क्या बोलते हैं आउटसाइड महाराष्ट्र हो तो आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। ये उसका जो ऑल ओवर इंडिया
इंडिया का कट ऑफ है दोस्तों, ये सेपरेट जारी करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा भारतीय विद्या भवन सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अंधेरी दोस्तों, इसका 93.5 कट ऑफ गया था। दोनों का कट ऑफ, अगर आप महाराष्ट्र स्टूडेंट है उसका कट ऑफ अलग आएगा, ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट है उसका कट ऑफ अलग आएगा दोस्तों, तो इसका कट ऑफ 93 है। जितना आपको मतलब मान चलो कट ऑफ मिला है ना, कि मतलब महाराष्ट्र के बच्चों के लिए उसका 15 मार्क आपको ज्यादा ही समझ लेंगे आप आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट हो तो। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए 70 मार्क्स, और अगर आपको मतलब ये भी मिला है क्या बोलते हैं आउटसाइड महाराष्ट्र ना, तो भी आपको 70 मार्क्स ही समझना चाहिए, क्योंकि अगर मान चलो कैपराउंड 2 में आपको आराम से आ जाएगा महाराष्ट्र हो तो 60 मार्क भी आया ना दोस्तों, तो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये कॉलेज मिल जाएगा। और जो प्लेसमेंट पैकेज है दोस्तों 2020 में 25 LPA गया है दोस्तों, और मतलब बहुत सारे बच्चों को 16 लाख भी मिला है, और एवरेज इसका पैकेज 7 लाख है दोस्तों। बहुत अच्छा कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेसमेंट सब बहुत अच्छा है दोस्तों, और स्टेशन से नजदीक भी दोस्तों, अंधेरी में है दोस्तों, स्टेशन से अंधेरी में 1.5 किलोमीटर दूर है, मैंने गूगल मैप पे देखा तो 15-20 मिनट का रास्ता है, आराम से इसको आप सेकंड नंबर पे रख सकते हैं। जो मैंने थर्ड नंबर में रखा है विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बहुत अच्छा कॉलेज है दोस्तों, 120 सीट होने वाले MCA के लिए दोस्तों, ये सिंधी माइनॉरिटी कॉलेज है, सिंधी वाले कॉलेज स्टूडेंट को पहले वो लोग प्रेफर करते हैं और कोई नहीं। जो इसका 2020 में फीस गया है दोस्तों 1,08,139 रुपीज़ गया है, रीजनेबल है दोस्तों, आप अप्लाई कर सकते हो, फीस भी एकदम नॉर्मल है। जो 2020 में महाराष्ट्र MCA CET का कट ऑफ गया है 71 गया है दोस्तों, कैपराउंड 2 में इसको 65 तक भी गया है दोस्तों। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे हिसाब से 2021 में 65 हो तो यार आराम से सेफ समझ सकते हो, 55 के ऊपर हो तो भी आप आराम से समझ सकते हो, क्योंकि 120 सीट होने वाली दोस्तों। जो 2020 में प्लेसमेंट पैकेज गया 8.5 LPA तक गया है दोस्तों, ये 2020 की बात कर रहा हूं, जिसमें कोरोना में आधे से ज्यादा जन की नौकरी चली गई थी। जो इसमें 2019 का डेटा मैंने देखा था, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको डेटा अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। जो 2019 का था उसका 9.4 LPA को 6 जन को मिला था, मैं बोला बहुत अच्छी बात है, अच्छा कॉलेज है यार दोस्तों। ये कॉलेज चेंबूर में है दोस्तों, स्टेशन से 3.2 किलोमीटर दूर पड़ेगा दोस्तों, आप इसमें जरूर अप्लाई करिएगा, मैंने इसके वजह से थर्ड नंबर पे रखा है। जो मैंने फोर्थ पे रखा है दोस्तों KJS इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दोस्तों, इसका जो MCA का सीट होने वाला है 60 होने वाला है, और इसका जो फीस होने वाला है दोस्तों 2,49,000, ओवरऑल देखा जाए तो 2.5 लाख आपका फीस होने वाला है। और इसका कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है कि इसका महाराष्ट्र MCA CET का कट ऑफ कितना गया था, इसके वजह से मैंने ये नहीं मतलब एक्सपेक्टेड नहीं बता पाया कि इतना आपको जा सकता है कट ऑफ दोस्तों। इसका मैंने देखा कि जो कट ऑफ मेरिट लिस्ट डालते हैं वहाँ पे इसका KJS का नाम डाल के देखा, कोई डेटा अवेलेबल नहीं था। उसके बाद से ऑल ओवर इंडिया का जो कट ऑफ जारी होता उसमें देखा, उसमें भी कोई कट ऑफ नहीं रहा था। इसके वजह से मैं सिर्फ मारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है MCA के लिए KJS का, वहाँ पे आपको जाके इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। देखिए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इसका 60 सीट होने वाला है दोस्तों, और इसका ये दिखा देता हूँ एलिजिबिलिटी, मतलब लिखा है कि MCA बैच कंसीडर्ड एट महाराष्ट्र MCA CET, बताया है कि मतलब MCA CET एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं वो लोग। और मेरे हिसाब से अगर देखा जाना तो मैंने जहां तक वेबसाइट पे देखा तो इसमें लास्ट डेट टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू महाराष्ट्र MCA CET को 6/2, भाई 1 अक्टूबर को रिजल्ट ही आया क्या है यार, थोड़ा डेट तो एक्सटेंड करना चाहिए। अगर आप इस कॉलेज में अप्लाई करते हो तो 6 अक्टूबर से पहले अगर आप MCA के लिए इस कॉलेज में जाना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। इसका फीस स्ट्रक्चर भी आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा है 2,49,000 के लिए होने वाला है दोस्तों। तो जो इसका प्लेसमेंट पैकेज भी दिखाया है, ये नहीं बताया कि दोस्तों 2020 में इसका 9.4 लग गया है, बस लिखा है 9.4 LPA तक गया हाईएस्ट। तो मेरे को नहीं लगता है भाई कि मतलब 2020 में इतना गया रहेगा, क्योंकि कोरोना के चलते आधे से आधे इनका नौकरी गया है दोस्तों। और दोस्तों ये जो कॉलेज है विद्या विहारी स्टेशन से नजदीक है, तो अगर आपको अप्लाई करना है दोस्तों तो अप्लाई कर लीजिएगा, 6 अक्टूबर के पहले ही अप्लाई कर लीजिएगा दोस्तों। जो मैंने फिफ्थ नंबर पर रखा है SIS कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है नवी मुंबई में, तो आप जरूर अप्लाई करिएगा। जो इसका MCA का सीट होने वाला है दोस्तों 60 का सीट होने वाला है। जो 2020 में इसका फीस स्ट्रक्चर था दोस्तों 1,80,000 इसका फीस स्ट्रक्चर था। 2020 में महाराष्ट्र MCA CET का कट ऑफ गया था 62.50 मार्क्स तक गया था कैपराउंड 1 के लिए, कैपराउंड 2 के लिए 4-5 मार्क ऊपर नीचे समझ जाएगा, 60 मार्क्स समझ जाएगा कैपराउंड 2 के लिए गया था। अगर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ बोलते 2021 के लिए दोस्तों, मैं बोलूंगा कि मतलब 55 मार्क्स है तो आपको आराम से, भले ही वो आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट हो या फिर मतलब ये महाराष्ट्र कैंडिडेट हो, 55 मार्क्स है तो आप सेफ समझ सकते हो। इसका 2020 में पैकेज प्लेसमेंट पैकेज है 7 LPA तक गया है दोस्तों, बहुत अच्छा है जो बहुत जन को मिला है। उसके बाद से और भी 3.6 लाख तक उसका शायद एवरेज बताया गया था। और ये कॉलेज दोस्तों नेरुल में स्टेशन से 1.5 किलोमीटर तक है, 1.7 किलोमीटर तक दूर है, 15 मिनट का रास्ता है, ज़्यादा लंबा नहीं है कॉलेज।
आप इस कॉलेज में जरूर अप्लाई कर सकते हो। जो मैंने 6 नंबर पे रखा है ठाकुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज करियर डेवलपमेंट एंड रिसर्च, मतलब ठाकुर कॉलेज में बेसिकली इसका जो एमसी के लिए सीट होने वाला 180 सीट होने वाला है दोस्तों, बहुत ज़्यादा सीट है दोस्तों। और आपको बहुत कम मार्क्स आए तो भी आप इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। कैप राउंड थ्रू नहीं मिलेगा दोस्तों, आप इंस्टीट्यूट लेवल पे थ्रू अप्लाई करोगे ना तो मिल जाएगा। मैंने लास्ट 3 ईयर का डेटा दिखाया 2018-2019-2020 का दोस्तों, कभी भी 180 सीट फिल ही नहीं हुआ, 100 सीट भी 2020 में नहीं, 96 बच्चे लोग अप्लाई किए थे 2020 में दोस्तों। तो इसका फीस स्ट्रक्चर होने वाला है दोस्तों 2020 में 1,50,250 रुपीज़ इसका मतलब फीस स्ट्रक्चर था 2020 में। और जो उसका 2020 में महाराष्ट्र एमसीसीडी कट ऑफ गया था 56 मार्क गया था कैप राउंड 1 के लिए, ये महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए। अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र हो तो 10 मार्क ऊपर ही समझ लीजिएगा, 10-15 मार्क आप ऐड कर लीजिएगा ये नंबर में, तो समझ जाइए कि जो इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है 45 होने वाला है। और 45 होने वाला आउटसाइड महाराष्ट्र हो तो भी या फिर महाराष्ट्र कैंडिडेट हो तो भी यार, क्योंकि 180 सीट है, बहुत ज्यादा सीट है, फिल नहीं होगा। मान चलो आपको ये क्या बोलते हैं कैप राउंड थ्रू नहीं मिला तो आप इंस्टीट्यूट लेवल पर जाओगे तो डेफिनेटली मिल जाएगा यार। जो इसका प्लेसमेंट पैकेज होने वाला दोस्तों 2020 में प्लेसमेंट पैकेज गया था दोस्तों 6.4 LPA तक गया था, बहुत अच्छा है जो दोस्तों, और क्योंकि कोरोना के चलते आधे ज्यादा उनका नौकरी गया, 6.4 LPA मिला तो बहुत अच्छा है दोस्तों। ये कॉलेज दोस्तों कांदीवली में स्टेशन में 3 किलोमीटर से 3.5 किलोमीटर तक दूर है दोस्तों ये कॉलेज, तो 3.5 किलोमीटर दूर है कॉलेज तो आप थोड़ा आपको ट्रैवलिंग ज़्यादा पड़ सकता है। जो ये 7 नंबर पे मैंने रखा है दोस्तों मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट MET इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस दोस्तों, ये बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है दोस्तों। तो इसका एमसी के लिए सीट होने वाला है 60 सीट होने वाला है, जो 2020 में इसका जो फीस स्ट्रक्चर था 1,50,000 इसका फीस स्ट्रक्चर था। महाराष्ट्र एमसी सीटी 2020 में इसका जो कट ऑफ गया था 61 गया था कैप राउंड 1 के लिए महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए। अगर आप मान के चलो आप आउटसाइड महाराष्ट्र हो तो 10 मार्क आप ऐड कर लीजिएगा अपने हिसाब से। और उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे हिसाब से दोस्तों 50 मार्क्स है दोस्तों आउटसाइड महाराष्ट्र तो भी, और मतलब महाराष्ट्र कैंडिडेट हो तो भी दोस्तों। इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं दोस्तों, आपको एक और डेटा दिखाना है। देखिए MET का ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, MET का ऑफिशियल वेबसाइट है, देखिए यहाँ पे उन्होंने मेरिट लिस्ट भी जारी किया MCA मेरिट लिस्ट दोस्तों। मेरे को ये आइडिया नहीं कि ये मतलब कैप राउंड थ्रू है कि इंस्टीट्यूट लेवल, मेरे हिसाब से तो इंस्टीट्यूट लेवल के थ्रू ही दिख रहा है दोस्तों। देखिए जो पहले नंबर पे है CET स्कोर लिखा हुआ है 52 मार्क्स, जस्ट इसके नीचे आगे जिसको मतलब 6.5 मार्क्स मिला है दोस्तों, स्कोर मिला है दोस्तों, उसको भी वो लोग ने ले लिया है। तो समझ रहे हो, अगर आपको बहुत कम मार्क्स मिला है ना तो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये कॉलेज लिख सकता है। अगर नहीं मिल रहा है कैप राउंड के थ्रू तो आप इंस्टीट्यूट लेवल के थ्रू अप्लाई करिए यार, आपको आराम से मिल जाएगा, डोंट वरी। हाइपर तो एक मेरे को कम मार्क्स मिला है तो यार मैं कहीं अप्लाई नहीं, देखिए बहुत अच्छा कॉलेज माना जाना कॉलेज है यार। आपको पैकेज भी इसका देखो एवरेज 7.5 LPA है दोस्तों, हाईएस्ट अगर देखा जाए तो 15.5 LPA, पर कोई डेटा नहीं कि इस एकेडमिक ईयर में आपको इसी इतना मिला है, तो इसके वजह से मैं एवरेज 7.5 LPA इसका लिखा हूं। ये कॉलेज बांद्रा में है और स्टेशन से नजदीक भी है, 15-20 मिनट का रास्ता है रहेगा बेसिकली। जो मैंने 8 नंबर पे रखा है दोस्तों डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नवीन चंद मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है दोस्तों, जिसका एमसीए का सीट होने वाला है 60 होने वाला है। जो 2020 में इसका जो फीस स्ट्रक्चर था दोस्तों 1,17,580 रुपीज़ इसका फीस स्ट्रक्चर था। जो 2020 में महाराष्ट्र एमसीए सीटी का कट ऑफ गया था 50.50 मार्क्स तक गया था दोस्तों, और कैप राउंड 1 के लिए, कैप राउंड 2 के लिए 45 मार्क्स तक समझ सकते हो या फिर 40 के ऊपर समझ सकते हो। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे हिसाब से 2021 में रह सकता है दोस्तों 45 मार्क आया तो आप सेफ समझ सकते, और मान चलो 40 मार्क आया महाराष्ट्र कैंडिडेट हो तो भी सेफ समझ सकते हो, 45 मार्क्स आया तो OMS कैंडिडेट मतलब आउटसाइड महाराष्ट्र हो या फिर महाराष्ट्र स्टूडेंट हो तो आप डेफिनेटली आराम से समझ सकते हो अगर आप इस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो, क्योंकि फीस भी मतलब रीजनेबल है ना, 1.5 लाख तक तो नहीं है ना, 1,70,000 है। अगर आप OBC या ST में हो तो और फीस बहुत कम हो जाता है दोस्तों, शायद OBC वाले को 66,000 है, ST SC वाले को शायद 5,000 या 6,000 ऐसा ही कुछ था। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हो दोस्तों, वीडियो अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाऊंगा ये सब दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसका एवरेज प्लेसमेंट गया दोस्तों, एवरेज है ना कि हाईएस्ट 7.5 LPA गया है, हाईएस्ट इसका शायद 7.4 LPA है क्या। जो ये कॉलेज है दोस्तों दादर में, कॉलेज स्टेशन से नज़दीक है तो आपको ट्रैवलिंग इजी पड़ेगा। तो मैंने 9 नंबर पे रखा है औद्योगिक शिक्षा मंडल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर दोस्तों, ये इसका जो एमसी का सीटी 120 है दोस्तों, तो समझ जाए इसमें भी अगर आपका मार्क्स कम आया तो अप्लाई करिएगा, अगर कैप राउंड थ्रू नहीं मिलता है तो इंस्टीट्यूट लेवल पे थ्रू अप्लाई करिएगा तो आराम से मिल सकता है। तो इसका फीस स्ट्रक्चर था 2020 में 98,000 था दोस्तों, और जो 2020 में दोस्तों इसका एमसी सीटी का कट ऑफ गया दोस्तों 71.75 गया था, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे हिसाब से दोस्तों 38
मार्क्स रहने वाला, आउटसाइड महाराष्ट्र हो तो या फिर ये क्या बोलते हैं ये इनसाइड महाराष्ट्र हो या फिर महाराष्ट्र कैंडिडेट हो, 30 मार्क के ऊपर भी है ना दोस्तों आपको महाराष्ट्र कैंडिडेट होना तो आराम से मिले, 120 सीट है ना दोस्तों इसके वजह से बोल रहा हूँ। तो प्लेसमेंट पैकेज 4.5 LPA तक गया है दोस्तों की कोरोना के चलते आप बोल सकते हो अच्छा कॉलेज है, थोड़ा स्टेशन से दूर है दोस्तों, ये थाने स्टेशन से थोड़ा सा दूर है दोस्तों कॉलेज, तो आप थाने में रहते हो तो आप परस्यू कर सकते हो इस कॉलेज में। और मतलब प्लेसमेंट भी ठीक ठाक ही गया था दोस्तों, ऐसा नहीं कि कोई बेकार गया था, 4.5 LPA अच्छा ही प्लेसमेंट होता है। कोरोना के चलते आपको पता ही होगा कि मतलब कि प्लेसमेंट या फिर नौकरी सबकी चली गई थी दोस्तों। तो मैंने 10th नंबर पर रखा है भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोस्तों, और जो इसका एमसी के लिए सीट होने वाला है 60 होने वाला है दोस्तों। ये भी कॉलेज बहुत अच्छा है कॉलेज, मैंने टॉप 10 रखा है ना जितने भी कॉलेज सब अच्छे अच्छे कॉलेज है दोस्तों, कोई भी मिल गया ना दोस्तों तो आपको समझ जाइए पैकेज अगर आप मेहनत करते हो ना तो 2 साल पैकेज आपको जितना पैकेज दिख रहा है ना उसका समझ जाइए कि 2-3 लाख तो पकड़ के चलिए, जैसे मान चलो 2020 में 6 लाख तक इसका पैकेज गया दोस्तों इस कॉलेज का, तो समझ जाए कि जो 2023 में आप पास हो आउट हो गए ना तो उसके बाद से आपका प्लेसमेंट जो पैकेज रहेगा ना दोस्तों 8 के ऊपर ही रहेगा, 9 या 8 के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि हमेशा बढ़ते रहेगा ना, महंगाई भी बढ़ रही प्लेसमेंट भी, फिर प्लेसमेंट पैकेज भी बढ़ेगा दोस्तों। जो इसका फीस था दोस्तों कि 2020 में 1,10,865 इसका फीस था, 2020 में महाराष्ट्र एमसीए सीटी का कट ऑफ गया था 48.25 कैप राउंड 1 का दोस्तों, महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए आउटसाइड महाराष्ट्र हो तो 10 मार्क एक्स्ट्रा पकड़ लीजिएगा। और उसके साथ साथ ये भी बता दूं कि मतलब कैप राउंड 2 में थोड़ा परसेंटेज क्या मतलब मार्क्स गिरता है ना दोस्तों, तो समझ जाए कि इसका 45 या फिर 40 तक गया रहेगा, कैप राउंड 2 का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है तो इसके वजह से मैं बता नहीं सकता कि कितना एग्जैक्ट गया है। जो मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 के लिए होने वाला है दोस्तों 40 मार्क हो तो आप सेफ समझ सकते हो, अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र हो या फिर महाराष्ट्र कैंडिडेट हो दोनों के लिए दोस्तों। प्लेसमेंट बता ही दिया हूँ 6 LPA इसका हाइएस्ट गया है दोस्तों, और इसका मतलब मान चलो 2023 में आप ये क्या बोलते हैं आपका एमसीए कंप्लीट होगा तो इसका प्लेसमेंट 8 LPA तक जाएगा। ये खारगढ़ से 7 मिनट दूर पे है दोस्तों, और इसका आप एड्रेस देखते हो दोस्तों तो बेलापुर लिखा है, जिसमें आपको कुछ 38 मिनट लिख रहा है जाने के लिए, आपको 2.2 किलोमीटर है, तो मैं खारगढ़ से नेक्स्ट स्टेशन खारगढ़ वहाँ से देखा तो 7 ही मिनट दूर था दोस्तों, बहुत नज़दीक में है। आप इसको आप जरूर अप्लाई करिएगा अगर आप नवी मुंबई में हो तो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, थैंक यू।